फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऑटोमेटिक स्विच वाला होल्डर बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दिन होते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाया करेगा और रात होने के बाद ऑटोमेटिक चालू। सिर्फ आपको इसमें 2-3 कंपोनेंट लगाने हैं, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक होल्डर यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक BT136 नंबर की ट्रस्ट यूज कर रहा हूँ, एक LDR यूज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं एक 100 किलो की रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ। 3 कंपोनेंट की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ पे जो होल्डर है उसमें एक छोटा सा छेद कर लेता हूँ LDR के लिए, ताकि जो LDR है वो ऊपर की साइड में निकल सके। तो अब इसके बाद में जो LDR है वो यहाँ पर ईजिली फिट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका कनेक्शन जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन यहाँ पर करना है। तो अब आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपका जो सर्किट है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो LDR है उसे आपको ट्रांस्ट के दोनों लेफ्ट और राइट वाले पिन पर आपको सोल्ड कर लेना है। रेजिस्टेंस को भी आपको सेम इसी तरीके से सोल्ड कर लेना है। और इसके बाद में जो बल्ब के दो वायर हैं एसी लाइट वाले, उसमें से एक किसी भी वायर को कट करके आपको जो ट्रांस्ट है उसके फर्स्ट और सेकेंड वाले पिन पर सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो आउटपुट वाले वायर हैं वो आपको होल्डर में लगा देने हैं और पीछे वाले वायर आपको जो एसी लाइट की सॉकेट होती है उसमें आपको लगा देना है। उसके बाद में ये सर्किट यहाँ पे वर्क करने लगेगा, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। और ये सर्किट आपको कुछ ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे सुबह होने के बाद रोशनी LDR के ऊपर यहाँ पे पड़ सके। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी LDR के ऊपर थोड़ा सा अंधेरा है, तो इसलिए यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और जैसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च है उससे LDR के ऊपर रोशनी डालता हूँ तो यहाँ पर जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही मॉर्निंग होगी तो ये बल्ब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जैसे नाइट होगी उसके बाद में ये बल्ब ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो आप इस सर्किट को घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं, ये 100% वर्कएबल है और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बिजली भी बचेगी। बस आपको इसे रोशनी की जगह पर यूज़ करना है, तब ये वर्क करेगा। तो देख पाऊँगा यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, और आपको इसे सावधानी से यूज करना है। इसके सभी वायर को आपको अच्छी तरीके से टेप से कवर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स ये सर्किट वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने को मिल सके। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो देख पाऊंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सर्किट वर्क करा है। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।